स्वागत है आप सभी का हमारे YouTube चैनल में। और लास्ट एक्सरसाइज में देखो, यहाँ पे कुछ फॉर्मूले दिए हुए हैं कि ग्रोथ के लिए फॉर्मूला है V इज इक्वल टू V जीरो ब्रैकेट में 1 प्लस आर बाई 100 टू द पावर n, यानी कि ये जो V है ये अमाउंट है, वैल्यू आफ्टर n ईयर्स की ये अमाउंट है, और ये प्रेजेंट वैल्यू है, ठीक है, जो प्रिंसिपल है। तो ये अमाउंट, ये प्रिंसिपल है, और यहाँ पे हमने प्लस का साइन दिया हुआ है क्योंकि यहाँ पे ग्रोथ के लिए। तो अगर यही ग्रोथ के अलावा अगर डेप्रिसिएशन रहेगा तो डेप्रिसिएशन के लिए क्या लग जाएगा, 1 माइनस आर बाई 100 टू द पावर एन लग जाएगा। ठीक उसी तरह से रेट ऑफ इंटरेस्ट अगर दो बार दिया रहेगा, ग्रोथ रेट दो बार दिया रहेगा, दो सालों, तीन सालों, चार सालों, तो आर वन बाई वन प्लस आर वन बाई 100 और फिर 1 प्लस आर टू बाई 100, 1 प्लस आर थ्री बाई 100, 1 प्लस आर फोर बाई 100, वो ऐसा चलता जाएगा। उसी तरीके से डेप्रिसिएशन में भी चलेगा, अगर डिफरेंट रहेगा ग्रोथ रेट तो डिफरेंट डिफरेंट हम बार बार मल्टीप्लाई करेंगे, यानी 1 माइनस आर वन बाई 100 इंटू 1 माइनस आर टू बाई 100, 1 माइनस आर थ्री बाई 100 और 1 माइनस आर फोर बाई 100। तो यहाँ पे देखो, सबसे पहला क्वेश्चन है द कॉस्ट ऑफ मशीन डिप्रिशिएट बाई 10% एवरी ईयर, कि मशीन की कॉस्ट डिप्रिशिएट होती है 10% से हर साल। अगर उसकी प्रेजेंट वर्थ 18,000 है तो व्हाट विल बी इट्स वैल्यू आफ्टर 3 ईयर्स, तीन साल के बाद उसकी वैल्यू कितनी होगी। अब यहाँ पे प्रेजेंट वैल्यू मतलब मैंने बता ही दिया आपको कि प्रिंसिपल लेंगे। क्वेश्चन नंबर 1, एक्सरसाइज कौन सा है, 2D। तो यहाँ पे प्रेजेंट वैल्यू जो है वो 18,000 है, फिर इसके बाद आपका टाइम दिया हुआ है 3 ईयर्स और आर दिया हुआ है 10% एवरी ईयर, वही पर एनम की तरह। तो अब यहाँ पे आपको निकालना है ना कि तीन साल बाद उसका दाम कितना होगा। तो देयरफॉर वैल्यू आफ्टर 3 ईयर्स विल बी इक्वल टू, यानी यही अमाउंट इज इक्वल टू पी 1 माइनस आर बाई 100 टू द पावर एन। मैं हर जगह स्मॉल आर ले रहा हूँ जबकि क्वेश्चन में हर जगह कैपिटल आर लिया है, तो चलो कैपिटल आर ही लेते हैं, 1 माइनस आर बाई 100 टू द पावर एन। डिप्रिसिएशन है इसलिए माइनस का साइन हमने लगाया है, तो यानी कि 18,000 और 1 माइनस 10 अपॉन में 100 और टाइम कितना है 3, तो एन भी कितना हो जाएगा 3, क्योंकि जो है पर ईयर लग रहा है। तो 18,000 100 LCM हुआ, 100 वन जा 100 माइनस 10 और क्यूब, तो 18,000 इंटू 90/100 का क्यूब। तो पहले इसको 0-0 कट कर देते हैं, तो 18,000 इंटू 9/10 इंटू 9/10 इंटू 9/10। अब 3 जीरोस से 3 जीरोस कट हो जाएंगे, यानी 18 इंटू 9 का क्यूब कितना होता है, 729, यानी 13122 ये हो जाएगा आपका वैल्यू। फिर नेक्स्ट क्वेश्चन है क्वेश्चन नंबर टू में है द पॉपुलेशन ऑफ अ टाउन इंक्रीजेस बाई 20% एवरी ईयर, हर साल रेट परसेंट दिया है 20% से इंक्रीज करता है। अगर प्रेजेंट पॉपुलेशन इज 2,16,000 फाइंड पॉपुलेशन आफ्टर 2 ईयर्स और 2 ईयर्स अगो। आफ्टर 2 ईयर्स में बस प्लस कर देना है और बिफोर 2 ईयर्स वाले में माइनस कर देना है। क्वेश्चन नंबर टू में प्रेजेंट पॉपुलेशन 2,16,000 है, फिर उसके बाद आर परसेंट कितना दिया हुआ है, दैट इज 20% पर एनम हर साल। और तो पहले क्या केस ले लेते हैं, टाइम इज इक्वल टू 2 ईयर, तो ये 2 ईयर आफ्टर वाला है, ठीक, आफ्टर वाला 2 ईयर है, तो कितना हो जाएगा, तो पॉपुलेशन आफ्टर 2 ईयर विल बी इक्वल टू पी 1 प्लस आर बाई 100 का होल स्क्वायर, यानी कि प्रिंसिपल कितना लेंगे हम, 2,16,000 और 1 प्लस रेट परसेंट 20/100, तो 21 से 25 स्क्वायर लगा रहेगा पावर पे, 216,000 और ये कितना हो गया, 1 प्लस 1/5 का होल स्क्वायर। तो यहाँ पे अब एलसीएम लेना होगा,
5 प्लस 1 का होल स्क्वायर, तो 216000 6/5 का होल स्क्वायर कितना हो जाएगा, 216123 इंटू 6/5 इंटू 6/5 कट करो, देखो कितना आता है, 5 1 5 4 20 5 3 15 5 2 00 फिर 5 1 5 8 40 5 6 30 5 4 20 36 इंटू 8 6 4 0 तो 8 6 4 0 इंटू 36 करेंगे आएगा 311040। ठीक है, अब यहाँ पे नेक्स्ट है सेकेंड पार्ट इसका, तो 2 years अगो, तो पॉपुलेशन 2 years अगो, तो 2 साल पहले पॉपुलेशन कितनी थी, तो अब यहाँ पे 2 साल पहले के लिए हमको क्या करना होगा, यानी जो अभी दिया हुआ है वो अमाउंट है, तो अभी प्रेजेंट वाला कितना था, प्रेजेंट 216000 है, तो 2 years अगो यानी पहले क्या था, तो ये प्रेजेंट वाले को हम क्या मान लेंगे, यही हो जाएगा मेरा अमाउंट, टाइम दिया है 2 year और रेट परसेंट तो उतना ही है 20%, तो A इज इक्वल टू पी 1 + R/100 टू द पावर n है, तो अभी देखो अभी में है 216000, ठीक, प्रेजेंट पॉपुलेशन, 2 साल पहले क्या थी, प्रिंसिपल फाइंड करना है ना, ये अमाउंट दिया हुआ है प्रिंसिपल फाइंड करना है, 2 साल पहले क्या था, तो p 1 + R तो 1 + 20/100 टू द पावर n, तो यहाँ से 216000 इज इक्वल टू पी, और ये कितना हो जाएगा एलसीएम लेने पे, 100 100 + 20 आप पावर में कितना रखेंगे, 2, 2 साल पहले का पूछ रहा है, तो 216000 इज इक्वल टू पी 120/100 का स्क्वायर, 0 से 0 कैंसिल, 2 6 जा 2 5 जा, यानी कि 216000 इज इक्वल टू पी और 6/5 का होल स्क्वायर, तो यहीं बगल में आ जाते हैं, तो 216000 इज इक्वल टू पी इंटू 6/5 इंटू 6/5, तो p इज इक्वल टू क्या हो जाएगा, ये 5 5 इसमें मल्टीप्लाई हो जाएगा, यानी 216000 इंटू 5 इंटू 5 अपॉन में 6 इंटू 6, 6 से कट करेंगे तो 6 3 जा 18 6 6 जा 36 36,000 फिर 6 से तो 6,000, तो कितना आ जाएगा, p इज इक्वल टू 6,000 इंटू 25 यानी कि 1,50,000। ठीक है, इसको बस समझने की बात है, 2 साल पहले का पूछ रहा है, यानी हमने कुछ प्रिंसिपल रखा था जो अभी प्रेजेंट में अमाउंट बन गया, तो इसको मैंने अमाउंट ले लिया और 2 साल के अंदर ऐसा हुआ, तो 1 - R/100 नहीं करना था हमको, बस यहाँ पे जो प्रेजेंट दिया है उसको हम अमाउंट मान लेंगे और पहले यानी पुराना प्रिंसिपल रहेगा, तो फाइंड आउट हो जाएगा। नेक्स्ट क्वेश्चन देखते हैं हम, क्वेश्चन नंबर 3। क्वेश्चन नंबर 3 में है कि मशीनरी ऑफ अ सर्टेन फैक्ट्री इज वैल्यूड एट 18,400 एट द एंड ऑफ 1980। मशीनरी फैक्ट्री की वैल्यू की गई थी इतनी 18,400, अगर सपोज किया जाता है कि ये डिप्रिशिएट करती है ईच ईयर 8% ऑफ द वैल्यू एट द बिगनिंग ऑफ द ईयर, जितना दाम है उसका 8% जो है ये कम होती है, डिप्रिशिएट करती है, तो कैलकुलेट द वैल्यू ऑफ मशीनरी एट द एंड ऑफ 1979 एंड 1981, यानी ये 1980 से एक साल पहले गया, ये 1980 से एक साल बाद में गया, यही ना। क्वेश्चन नंबर 3, अब क्वेश्चन नंबर 3 में वैल्यू एट द एंड ऑफ 1980 कितना दिया हुआ है, 18,400, R% इज इक्वल टू 8%
पर एनम। तो पहला वाला है पीरियड, तो पीरियड कितना दिया हुआ है, एक ईयर, ठीक है, क्योंकि सन जो है कितना है इन 1979, एक साल पहले का पूछ रहा है ना। और देखो ये डेप्रिसिएशन है सबसे पहली बात तो, है ना, तो ये जो 18,400 है ये मेरा अमाउंट बन जाएगा, है ना। या फिर तुम यहां से देखो डायरेक्ट क्या कर सकते हो, अमाउंट इज इक्वल टू पी 1+R/100 पे पावर n होता है, तो प्रिंसिपल गायब है, तो प्रिंसिपल की वैल्यू फाइंड करने के लिए क्या कर दोगे, a डिवाइडेड बाई, तो सॉरी यहाँ पे डिप्रिसिएशन वाला है ना, तो 1 माइनस, तो a डिवाइडेड बाई 1-R/100 टू द पावर n कर दोगे, ठीक है। ये इधर जाएगा तो डिवाइड होगा, किससे, a से डिवाइड होगा, ठीक। तो अब यहाँ पे डायरेक्टली वैल्यू पुट करते हैं, ए अमाउंट, ये प्रेजेंट वाली वैल्यू अमाउंट है हमारी 18,400, डिवाइड करेंगे किससे, 1- रेट ऑफ डिप्रिसिएशन 8/100, कितने साल के लिए, सिर्फ एक साल के लिए, तो 18,400 डिवाइडेड बाय 100, 100-92 का पावर 1 कितना आ जाएगा, 18,400 डिवाइडेड बाय सॉरी 8 है ना, माइनस करने पे आएगा 92/100 और पावर 1 ही है, तो इज इक्वल टू 18,400 इंटू 100 अपॉन में 92 कर देंगे, तो कितना आ जाएगा, 4 से 25 बार में, अब 4 2 जा 8 4 3 जा 12, अब 23 से कटेगा, 23 से कितनी बार में कटेगा, 23 से 23×46 है ना, तो 8 टाइम्स में कटेगा, 8 टाइम्स में 800, 25×800 कितना आएगा, 20,000। तो कितनी वैल्यू थी इसकी एक साल पहले, 20,000 थी, अभी कितनी हो गई, 18,400। अब आफ्टर का पूछ रहा है बी वाले में, आफ्टर 1 ईयर दैट इज 1981 में, अब उसकी वैल्यू कितनी हो गई मशीन की, तो एक साल बाद का, यानी कि अमाउंट इज इक्वल टू पी 1- डिप्रिसिएशन है तो R/100 और सिर्फ एक साल का, कितना रखेंगे प्रिंसिपल, प्रेजेंट का वैल्यू लेंगे ना, यानी 18,400 लेंगे, अभी की वैल्यू लेंगे 18,400, ये प्रेजेंट है अभी, अभी 1980 के लास्ट में, 1-8/100 टू द पावर 1 कितना आ जाएगा, 18,400 ब्रैकेट में 100-8/100 टू द पावर 1 इक्वल टू 18,400 इंटू 92/100, ये कितना आ रहा है, अब 0 से 0 कैंसिल हो जाएगा, बस 184 से आपका 92 मल्टीप्लाई हो जाएगा, ठीक है, कितना आएगा, 16928, ये आ जाएगी वैल्यू मशीनरी की। नेक्स्ट क्वेश्चन देखते हैं, क्वेश्चन नंबर फोर है कि प्रेजेंट वैल्यू स्कूटर की दी हुई है 15,360, इफ इट्स वैल्यू डिफ्रिशिएट्स 12 होल 1/2% एवरी ईयर, फाइंड इट्स वैल्यू आफ्टर 3 ईयर, स्कूटर की वैल्यू दी है 12.5% के साथ डिप्रिशिएट करती है, तो 3 साल बाद इसकी वैल्यू कितनी होगी, क्वेश्चन नंबर 4। तो प्रेजेंट वैल्यू देखो 15,360, फिर इसके बाद आर परसेंट कितना है, 12 होल 1/2%, टाइम कितना दिया हुआ है 3 ईयर, तो एन भी कितना होगा, 3 होगा, तो ये रेट परसेंट किसके लिए है, डिप्रिसिएशन के लिए है, ठीक है, तो आर को और सिंपल कर लो, 12×24 = 25/2%, तो वैल्यू आफ्टर 3 ईयर कितना हो जाएगा, वैल्यू आफ्टर 3 ईयर्स इज इक्वल टू पी 1-R/100 टू द पावर
एन, यानी कि 15,360 इंटू 1 माइनस आर, यानी कि 25, 2 इंटू 100 टू द पावर 3. 15,360 इंटू 200 LCM होगा, देखो यहाँ पे, तो 200 वन्स आ माइनस 25 का क्यूब, तो कितना आ रहा है ये, 15,360 इंटू 175 अपॉन में 200 का क्यूब, 15,360 इंटू 25 से 7 टाइम्स में और 8 टाइम्स में, यानी 7/8 का होल क्यूब, 15,360 इंटू 7 इंटू 7 इंटू 7 अपॉन 8 इंटू 8 इंटू 8 दिया है तो पक्का कट होगा 8 से, 8 वन जा 8, 8 9 जा 8 2 जा, फिर 8 1 जा 8, 8 2 जा 16, 8 4 जा 32, फिर 8 1 जा 8 3 जा, 7 का क्यूब 343 इंटू 30 कितना आ जाएगा, 3 टाइम्स में 3 3 जा 9, 3 4 जा 12 का 2, 3 3 जा 9 1 10, ये हो गया हमारा आंसर. नेक्स्ट क्वेश्चन है क्वेश्चन नंबर 5. अ न्यू कार इज परचेस्ड फॉर 2,50,000. इट वैल्यू डिप्रिशिएट एट द रेट ऑफ 10% फर्स्ट ईयर, 8% सेकेंड ईयर एंड देन 6% एवरी ईयर. फाइंड इट्स वैल्यू आफ्टर 4 ईयर. तो 10% पहले का, 8% दूसरे का, उसके बाद 6% दो बार, क्योंकि 4 साल है यहाँ पे, है ना. क्वेश्चन नंबर 5. तो क्वेश्चन नंबर 5 में वैल्यू ऑफ कार कितनी दी हुई है, 2,50,000 दी हुई है. फिर उसके बाद R1 कितना दिया हुआ है, 10%. R2 कितना दिया हुआ है आपका, 8%. और फिर R3 6%, ठीक है, और ये कंटिन्यू रहेगा, ठीक, एवरी ईयर फर्दर साल के लिए ये कंटिन्यू रहेगा. तो 4 साल का टाइम है, टाइम कितना दिया है, 4 ईयर. तो R1 जो है फर्स्ट ईयर के लिए है, सेकेंड ईयर के लिए है, और फिर ये थर्ड ईयर के लिए, और क्या उसके बाद हर एक साल के लिए. तो यहाँ पे वैल्यू ऑफ कार आफ्टर 4 ईयर्स विल बी इक्वल टू पी 1 माइनस आर वन बाई हंड्रेड टू द पावर 1, फिर 1 माइनस आर टू बाई हंड्रेड टू द पावर 1. 4 साल है तो सिर्फ 4 लेंगे, n नहीं लेंगे, तो 1 माइनस आर थ्री बाई हंड्रेड टू द पावर 1, या फिर इसको ले ही लेते हैं 1 माइनस आर बाई फोर बाई हंड्रेड टू द पावर 1. अब यहाँ पे हम चाहते तो R3 पे स्क्वायर कर देते तो भी दो बार आ ही जाता, क्योंकि यहाँ भी 6 लेना है, यहाँ भी 6 लेना है ना. तीसरे और चौथे साल के लिए डिप्रिसिएशन क्या होगा, सेम रहेगा, बल्कि इसके आगे वाले हर आने वाले साल के लिए 6% का ही डिप्रिसिएशन रहेगा. तो प्रिंसिपल मेरा कितना है, 2,50,000. 1 माइनस 10 बाई हंड्रेड, फिर 1 माइनस 8 बाई हंड्रेड, फिर 1 माइनस 6 बाई हंड्रेड, देन अगेन 1 माइनस 6 बाई हंड्रेड. कितना आ रहा है, 2,50,000. तो यहाँ पे 100 LCM लिया, 100 माइनस 90, अब यहाँ पे 100 माइनस 8 बाई हंड्रेड, फिर यहाँ पे 100 माइनस 6 बाई हंड्रेड, और यहाँ पे 100 माइनस 6 बाई हंड्रेड. कितना आ रहा है, 2,50,000. 10 दिया है ना, 90 बाई हंड्रेड, फिर ये 92 बाई हंड्रेड, फिर ये 94 बाई हंड्रेड, और
यहाँ पे भी कितना आ जाएगा 94/100, तो 2,50,000। कट करते हैं यहीं पे, दो जीरोस और दो जीरोस, फोर जीरोस से फोर जीरोस मैंने कट कर दिए, फिर 25 1 25 4 कट कर दिया मैंने, फिर 4 के टेबल में यही कट पा रहा है, कितना ही बार में, 23 टाइम्स में, 30 4 92, यानी कि मेरा आंसर कितना आएगा, 90 × 23 × 94 × 94, मल्टीप्लाई करने पे कितना आएगा पूरा, नहीं कुछ बचा भी है नीचे ना, ये बचा है आपका 100, ये वाला बचा हुआ है अभी, अपॉन में 100, तो 0 से 0 कैंसिल हो गया, तो इन सब को मल्टीप्लाई करने पे कितना आ रहा है, 182,9052 अपॉन में 10, यानी कि 182,905.20 अपने से लगा सकते हैं 0 नहीं तो 0.2 तक, यानी कि 182,905 रुपये उसकी वैल्यू रह जाएगी 4 साल बाद। क्वेश्चन नंबर 6 देखते हैं। क्वेश्चन नंबर 6 में है कि द बैक्टीरिया इन अ कल्चर ग्रोज बाय 10% इन द फर्स्ट आवर, डिक्रीजेस बाय 10% इन द सेकेंड आवर, अगेन इंक्रीजेस बाय 10% इन द थर्ड आवर, इफ द काउंट बैक्टीरिया इन अ सैंपल इज 10,000, फाइंड द बैक्टीरिया काउंट एट द एंड ऑफ 3 आवर। पहले ग्रो, फिर डिक्लाइन करेगा, फिर ग्रो करेगा, ठीक है, तो इस तरीके से लेना है हमको। क्वेश्चन नंबर 6, इनिशियल या फिर कह दो ओरिजिनल यानी कि प्रिंसिपल कितना है, 10,000 है, फिर उसके बाद R1 10%, R2 भी 10% है और R3 भी 10% है, लेकिन लोचा क्या है, बढ़ेगा फिर घटेगा फिर बढ़ेगा, तो यहाँ पे नंबर ऑफ बैक्टीरिया आफ्टर 3 आवर, ये पर आवर का रेट परसेंट है, तो अमाउंट विल बी इक्वल टू पी 1 + R/100⁻¹, पहले घंटे में बढ़ गया, फिर दूसरे घंटे में सेम रेट परसेंट के साथ घटेगा, फिर तीसरे घंटे में ये बढ़ने वाला है काउंट, इस तरीके से 3 घंटे का ले लिया, प्रिंसिपल यानी कि 10,000, 1 + R1 यानी कि 10/100, फिर 1 - 10/100 और फिर 1 + 10/100, 0 से 0 कैंसिल, 0 से 0 और यहाँ भी 0 से 0 कैंसिल, तो 10,000 और यहाँ पे 10 LCM लेंगे तो 10 × 10 + 1/10, फिर यहाँ पे भी LCM लेंगे 10 को, 10 × 10 - 1, फिर यहाँ पे भी LCM लेंगे तो 10 + 1/10, यानी कि 10,000 × 11/10 × 9/10 × 11/10, 1, 2, 3, 3 जीरो से 3 जीरोस कट जाएंगे, यानी 121 × 9 × 10, हाँ 121, 11 का स्क्वायर इंटू 9 × 10, 9 × 1 = 9, 9 × 2 = 18 के 8, 9 × 9 = 10, 10, 0, 8, 9, 0, ये आ जाएगा आपका बैक्टीरिया काउंट। नेक्स्ट क्वेश्चन देखते हैं, क्वेश्चन नंबर 7। अब क्वेश्चन नंबर 7 में क्या है कि द प्रोडक्शन ऑफ रेफ्रिजरेटर्स इन फैक्ट्री अरोज फ्रॉम 40,000 to 48,400 इन 2 ईयर्स, फाइंड द रेट ऑफ ग्रोथ परसेंट पर एनम। अब यहाँ पे ग्रोथ दिया हुआ है, ठीक है, ये प्रिंसिपल इनिशियल था, ये अमाउंट है, ये टाइम दिया हुआ है, तो आपको रेट पता करना है। क्वेश्चन नंबर 7, प्रेजेंट कितना दिया हुआ है, 40,000, अमाउंट यानी बढ़ने के बाद कितना दिया है, 48,400, टाइम कितना दिया हुआ है, 2 ईयर्स, R इज इक्वल टू नहीं पता, अमाउंट इज इक्वल टू अमाउंट बाई प्रिंसिपल इज इक्वल टू 1 +
आर बाई 100 टू द पावर एन, ये पढ़ा है हमने पीछे डायरेक्टली। ए स्क्वल टू पी लिखते फिर पी को नीचे लेके ही आते तो 484,000 अपॉन में 40,000 इसक्वल टू 1 + R/100 का होल स्क्वायर। दो जीरो से दो जीरो कट जाएंगे। 484 किसका स्क्वायर है? 22 का। अब 400 किसका है? 20 का। यहाँ पे स्क्वायरिंग की 1 + R/100 कर दिया, ये तो यहाँ पे ऑलरेडी है। अब यहाँ पे देखो कंपेयर करो, तो ऑन कंपेयरिंग 22/20 इज इक्वल टू 1 + R/100, यानी कि 22/20 माइनस 1 इज इक्वल टू R/100। तो 22 - 20 LCM लेने पे इज इक्वल टू R/100। तो R इज इक्वल टू कितना आ जाएगा? 2/20 इंटू 100। 21 जा 25 जा 5 2 जा 10, कितना आ गया? 8%, 10% पर एनम, ये आ गया ग्रोथ परसेंट। फिर क्वेश्चन नंबर 8 देखते हैं। अब क्वेश्चन नंबर 8 में है कि द वैल्यू ऑफ फ्लैट वर्थ 5 lakh इज डिप्रिशिएटिंग एट द रेट ऑफ 10% पर एनम, इन हाउ मेनी ईयर्स विल इट्स वैल्यू बी रिड्यूस टू 3,64,500। अब दाम पहले का दिया हुआ है और बाद का भी दिया हुआ है, तो पूछ रहा आपसे कितने साल बाद इतना कम हो जाएगा। ठीक है, क्वेश्चन नंबर 8, यानी कि प्रेजेंट वैल्यू दिया हुआ है 5 lakh है, हाँ 5 lakh है, 5 zeros हैं, और डिप्रिसिएशन के बाद अमाउंट कितना आ जा रहा है? 3,64,500। देखो प्रीवियस वाला पूछता है तो, और ये प्रीवियस नहीं है, डिप्रिशिएट हो रहा है, तो यहाँ पे हम लोग अमाउंट मान लेंगे इसको, ये प्रिंसिपल फॉर्मर वैल्यू है, और आर जो है 10% दिया है और टाइम ही तो हमें नहीं पता है। यहाँ पे भी फॉर्मूला लगाएंगे, ए अपॉन पी इज इक्वल टू 1 + R/100 का पावर एन, यानी अमाउंट रखेंगे 3,64,500 अपॉन में 5 lakh इज इक्वल टू 1 + R यानी कि 10 अपॉन में 100 टू द पावर एन। जीरो जीरो कैंसिल, 5 से 1000 टाइम्स में, और 5 से 7 जा 2 जा 9 जा, यानी 729 अपॉन में 1000 इज इक्वल टू, यहाँ पे भी LCM ले तो 100 + 10 अपॉन में 100 आएगा टू द पावर n, 729 9/10 का क्यूब होता है। ठीक है, अभी देखो यहाँ पे कितना बड़ा मिस्टेक है ना, ये हो जाता है, हमको डिप्रिशिएट करते हुए चलना है, वैल्यू को क्या करते हुए चलना है? डिप्रिशिएट करते हुए चलना है, डिप्रिसिएशन है ना, तो 100 - 10 कितना आएगा? 90/100, भाई मैं कह रहा हूँ इक्वल नहीं आ रहा है। अब जीरो से जीरो कैंसिल हो गया, तो अब 9/10 9/10 पावर 3 पावर n, तो क्या मिलेगा ऑन कंपेयरिंग? n इज इक्वल टू 3। ठीक है, तो टाइम कितना हो जाएगा? देयरफॉर टाइम इज इक्वल टू 3 years। ठीक है, डेप्रिसिएशन था, बस प्लस साइन ले लिया था। क्वेश्चन नंबर 9 देखते हैं। क्वेश्चन नंबर 9 में है कि जो रचित है उसने एक फ्लैट खरीदा 10 lakh का एंड ए कार फॉर 3,20,000 एट द सेम टाइम, दोनों चीज़ें उसने सेम टाइम में खरीदी। प्राइस ऑफ द फ्लैट एप्रिशिएट होता है यूनिफॉर्मली एट द रेट ऑफ 20%, एप्रिशिएट मतलब बढ़ता चला जा रहा है, वाइल द प्राइस ऑफ द कार डिप्रिशिएट एट द रेट ऑफ 15% पर एनम। अच्छा, जबकि कार की वैल्यू डिप्रिशिएट हो रही है 15% पर एनम से। तो इफ रचित सेल्स द फ्लैट एंड कार आफ्टर 3 years, वॉट विल बी हिज प्रॉफिट और लॉस, कितना घाटा या नुकसान हुआ उसको? तो फ्लैट अप्रिशिएट 20% और कार डिप्रिशिएट 50%, और दोनों की कीमत भी दी हुई है, तो दोनों को देखो यहाँ पे अलग अलग लेते हैं। क्वेश्चन नंबर 9, अब यहाँ पे लिख देते हैं हम फ्लैट, और यहाँ पे हम लिखने वाले हैं कार। फ्लैट के लिए प्रिंसिपल कितना है? 2, 3, 2, 5, 1 lakh ना, तो 10 lakh। अब कार के लिए कितना है प्रिंसिपल?
कार के लिए है 3,20,000। ठीक, तो कार का दाम हो गया और उसके बाद फ्लैट का भी दाम हो गया। अब यहाँ पे इसका रेट परसेंट 20% है, इसका रेट परसेंट 15% है। टाइम यहाँ भी 3 ईयर है और यहाँ भी टाइम 3 ईयर है ना। बस फर्क ये है कि यहाँ पे एप्रिशिएट हो रहा है और यहाँ पे डेप्रिशिएट हो रहा है। तो यहाँ पे अमाउंट कितना आएगा, पी 1+R/100 to the power n, वाइल यहाँ पे अमाउंट कितना आएगा, पी 1-R/100 to the power n आएगा। तो यानी कि 10 लैक्स और 1+20/100 to the power 3, और यहाँ पे 3,20,000 1-15/100 to the power 3 कितना आ रहा है, 100 LCM होगा, 100+20 का क्यूब, और यहाँ पे कितना आ रहा है, 3,20,000 और 100-15/100 का क्यूब इज इक्वल टू कितना आ रहा, 120/100 का क्यूब। 0 से 0 कैंसिल, 2 6 जा 2 5 जा। फिर यहाँ पे भी 3,20,000, लेकिन यहाँ पे क्या हो रहा है, माइनस हो रहा है, तो 85/100 का क्यूब। अच्छा, 5 से 17 टाइम में और 5 से 20 टाइम्स में कितना आया, 6 3 6 0s × 6/5 6/5 और 6/5, और यहाँ पे 3,20,000 × 17/20 17/20 और 17/20, तो 5 1 जा 5 2 जा, 1 2 3 4 5, 1 2 3 4 5, फिर 5 1 जा 4 जा, 1 2 3 4, फिर 5 1 जा 5 8 जा 8,000, यानी कि 6 6 जा 36 6 जा 216 × 8,000 ये वैल्यू आई। और इधर में 1 2 3 3 0s, 2 1 जा 2 16 जा 2 1 जा 2 80 जा और 2 1 जा 2 40 जा, तो 17 का क्यूब 289 × 680। ठीक है, 17 17 जा 289 और 17 4 जा 68 680, ये इसकी वैल्यू कितनी आएगी, इसकी वैल्यू आएगी 1,96,520 आ जाएगी। और फ्लैट की वैल्यू कितनी आ रही है, यहाँ पे देखो फ्लैट की वैल्यू तो बहुत ज़्यादा बढ़ गई, 17,28,000, ये दोनों वैल्यूज आमने सामने आ गई। ठीक है, तो टोटल कॉस्ट ऑफ कार एंड फ्लैट कितना आ रहा है, खरीदा था 10 लाख में प्लस गाड़ी खरीदी थी 3,20,000 में, तो यानी कि 13,20,000, ये आ गया आपका सीपी आ गया, है ना, कॉस्ट इतने में खरीदा था उसने। और सेलिंग प्राइस क्या आएगा ऑफ बोथ, सेलिंग प्राइस में ये अमाउंट और ये अमाउंट आएगा, यानी 17,28,000 + 1,96,520, दोनों को ऐड करने पे आ रहा है मेरा 19,24,520। अब देखो यहाँ पे कितने का डिफरेंस है, तकरीबन 6 लाख के करीब का डिफरेंस है ना, तो इसको क्या हो रहा है, प्रॉफिट हो रही है ना, सेलिंग प्राइस ज़्यादा है सीपी से, तो देयरफॉर गेन इज इक्वल टू एसपी माइनस सीपी, यानी कि 1,92,4520 − 13,20 × 0 13,20,000 कितना आएगा, 6,04,520, ये हो गया गेन उसको, और ये सिर्फ फ्लैट की वजह से हुआ है।
नेक्स्ट क्वेश्चन देखते हैं, लास्ट है क्वेश्चन नंबर 10। अब क्वेश्चन नंबर 10 में देखो, 8,000 वर्कर वेयर एम्प्लॉयड बाई अ कंपनी टू कम्प्लीट अ जॉब इन 4 ईयर्स। एट द एंड ऑफ फर्स्ट ईयर 5% ऑफ द वर्कर वेयर रिट्रेंच। रिट्रेंच का मतलब होता है छटनी कर देना, हटा देना। एट द एंड ऑफ सेकेंड ईयर 5% ऑफ दोज वर्किंग एट दैट टाइम वेयर रिट्रेंच। अब देखो फिर 5% हटा दिए गए। हाउ एवल टू कम्प्लीट द जॉब इन टाइम द वर्कर वॉज इंक्रीज बाई 10% ऑफ दोज वर्किंग एट द एंड ऑफ थर्ड ईयर। अब तीसरे साल पे जो काम कर रहे थे ना वर्कर्स, उनमें जो है 10% हमने इंक्रीज कर दिया। हाउ मेनी वर्कर्स वेयर वर्किंग ड्यूरिंग द फोर्थ ईयर, यानी चौथे साल में कितने वर्कर काम कर रहे थे। ठीक है, यानी दो बार रिट्रेंच किया है और एक बार उसने फिर भर्ती किया है ना, ऐड किया है। क्वेश्चन नंबर 10 और ये लास्ट क्वेश्चन एक्सरसाइज का। तो प्रिंसिपल के तौर पे यहां पे क्या दिया हुआ है कि टोटल नंबर ऑफ वर्कर आर 8,000। ठीक, R1 दिया है 5% डिप्रिशिएट, R2 5% डिप्रिशिएट और फिर R3 10% ये अप्रिशिएट होगा, बढ़ाया जाएगा। ठीक है, तो फोर्थ ईयर में कितने लोग काम कर रहे हैं, तो भाई 3 साल बाद जो लोग बचे होंगे वही फोर्थ ईयर में काम कर रहे होंगे, है ना। तो वर्कर्स, नंबर ऑफ वर्कर्स आफ्टर 3 ईयर, तो अमाउंट इज इक्वल टू P1 माइनस R1 बाई 100, 1 माइनस R2 बाई 100 और फिर जो बचे थे उनमें हमने बढ़ा दिया 10%। ठीक, तो इसीलिए प्लस का साइन दिया, बाकी पहले दोनों में माइनस। इज इक्वल टू P1 माइनस 5 बाई 100, 1 माइनस 5 बाई 100 और फिर 1 प्लस 10 बाई 100। 3 साल है, 1 साल 1 साल, इसलिए पावर नहीं दिया। तो 8,000, 100 LCM, 100 माइनस 5, 100 माइनस 5 अपॉन 100, 100 LCM। अब लेकिन यहाँ पे 100 LCM तो रहेगा, लेकिन यहाँ पे ऐड हो जा रहा है। तो 8,000 इंटू 95 बाई 100 इंटू 95 बाई 100 इंटू 110 अपॉन 100, 0 0, 519 जा, 520 जा, अच्छा 1 2 3, 3 जीरोस कट कर दिए मैंने, फिर 519 जा, 52 जा, अभी 22 जा 4 बचा है, 21 जा 24 जा, 21 जा 22 जा, क्या बचा है 1919 जा 3। 19 का स्क्वायर कितना होता है, 361 होता है आई थिंक, और इनटू 11 टू जा 22 होता है। ठीक है, मल्टीप्लाई करने पे कितना आएगा, 7,942। यानी चौथे 3 साल बाद, यानी चौथे साल के अंदर इतने वर्कर काम कर रहे थे। तो दिस इज द टोटल नंबर ऑफ वर्कर वर्किंग इन ड्यूरिंग द फोर्थ ईयर। थैंक्स फॉर वॉचिंग, डू सब्सक्राइब एंड शेयर माई चैनल।